Hey friends, a very good morning to all of you. This is me, Apurva Thakur, and you are watching me on my YouTube channel, where we daily learn 5 very amazingly amazing words which you are using in your daily vocabulary. So let's get started. So today, what's new today? As you know, we all are celebrating our 74th Independence Day today. So I thought ki today's vocabulary should be in relation with this Independence Day. Sare jahan se acha Hindustan hamara, right? तो भाई हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं और हमें इस बात पर गर्व भी होना चाहिए कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं, कितने स्वतंत्रता सेनानी, कितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर अपने बलिदानों के बाद इस देश की आज़ादी को छीना था ब्रिटिशर्स से, और उसके बाद आज हम इस टाइम पे अपने घरों में फ्रीडम से रह पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, किसी से भी बात कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं। ये सभी राइट्स हमें सिर्फ आज़ादी की वजह से मिले हैं। सो हमें गर्व होना चाहिए, हम भारत देश के नागरिक हैं। तो आज के स्वतंत्रता दिवस पर हम कुछ ऐसे वर्ड्स याद करने वाले हैं जो कि इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड हैं, क्योंकि दोस्तों अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजी को छोड़ गए, और अंग्रेजी से अभी हमें आज़ादी नहीं मिली है। तो जब तक हमें आज़ादी अंग्रेजी से नहीं मिलती, हमें वो वर्ड्स याद करते रहने पड़ेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है मेरा इंडिपेंडेंस, तो आपको पता ही है आज़ादी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस, ओके। ना दूसरा वर्ड स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी जिसे हम बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उसके लिए हम बोलेंगे फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ऐसे करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड है शहीद, क्योंकि बहुत ही लोगों ने शहीद, बहुत लोग शहीद हुए, उसके बाद ही हमें ये आज़ादी मिली, तो उन शहीदों को हम बोलते हैं मार्टर, मार्टर। लेट्स कमेमोरेट द मार्टर्स ऑफ अवर कंट्री, हम अपने शहीदों को याद करते हैं ऐसे करके। और जो शहीद के लिए तो हमने मार्टर यूज़ कर लिया, अब शहादत के लिए हम यूज़ करते हैं मार्टीडम, मार्टीडम, जिसे हम बोलें कि ऑन इंडिपेंडेंस डे वी रिमेंबर द मार्टीडम ऑफ ऑल द ग्रेट सोल्जर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हम इन सभी लोगों की शहादत को याद करते हैं ऐसे करके। अब दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि हम जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो श्रद्धांजलि देते हैं शहीदों को ऐसे करके। तो अब श्रद्धांजलि देने को क्या बोलते हैं? श्रद्धांजलि देने के लिए भी मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग वर्ड है, दैट इज पे होमेज टू। द वर्ड इज पे होमेज टू, जैसे आप बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे होमेज टू द फ्रीडम फाइटर्स, जैसे उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि हम बहुत लोगों को देते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी की समाधि को श्रद्धांजलि अर्पित की। ना समाधि के लिए क्या वर्ड होता है? समाधि के लिए भी बहुत ही अच्छा वर्ड है इंग्लिश में, बहुत ही ब्यूटीफुल, मसोलियम। द वर्ड इज मसोलियम, यस राइट, द वर्ड इज मसोलियम। जैसे आप बोल सकते हैं कि अवर प्राइम मिनिस्टर पे होमेज टू द मसोलियम ऑफ गांधी जी ऑन 15th of August, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। सो ये बात तो हुई समाधि की, श्रद्धांजलि की। अब आपने सुना होगा 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है, तो सलामी तो आई एम श्योर आप सभी को पता होगा सैल्यूट बोलते हैं, सलाम या सलामी के लिए सैल्यूट वर्ड यूज़ किया जाता है। अब 21 तोपों को भी क्या बोला जाता है? उनके लिए यूज़ किया जाता है 21 cannon। सो आप बोल सकते हैं 21 cannon सैल्यूट वॉज गिवन टू द फ्रीडम फाइटर्स बाय आवर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, जो भी आपके कंट्री में दे रहे हैं उनके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बट द वर्ड इज cannon, cannon वर्ड हो गया तोपों के लिए, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है देशभक्ति। तो देशभक्ति के लिए बहुत ही अच्छा वर्ड होता है पेट्रियाटिक, जैसे हम बोलते भी हमारे देशभक्ति गीत इंडिपेंडेंस डे के सभी फंक्शंस पे ऐसे वाले ही सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं उन सॉन्ग्स को पेट्रियाटिक सॉन्ग्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये बात तो रही आज़ादी से रिलेटेड, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 15 अगस्त पे होता है, वो होता है पतंग लड़ाना। तो पतंग लड़ाना आई एम श्योर आप बहुत लोग पतंग उड़ाते होंगे, एक्चुअली पतंग उड़ाना आई एम सॉरी, तो पतंग और पतंगों को उनको तो आपको पता ही है काइट बोलते हैं, पतंग उड़ाने को काइट फ्लाइंग, पेच लड़ाने को बोलते हैं काइट फाइट, काइट फाइट। जैसे हम बोलें कि अभिषेक लव टू
टू काइट फाइट ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी दोस्त, कोई भी घर में भाई बहन जो भी ऐसे पतंगे लड़ाते पतंगे उड़ाते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं काइट फाइट। नाउ जो उसका जो मांझा होता है, उसको जो मांझा होता है पतंग का, उसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं लेड थ्रेड, लेड थ्रेड। वहाँ पर मेरी इसी बात के साथ आपसे एक विनती ये भी है कि ऐसा मांझा या ना यूज़ करें जो किसी को हर्ट करे, प्लीज़। तो ठीक है, आप आई होप आप ऐसे कुछ नहीं करेंगे। तो मांझा के लिए वर्ड हो गया लेड थ्रेड। नाउ मूविंग टू द थर्ड वर्ड। अब उसकी जो चरखी होती है उसको क्या बोलते हैं? चरखी को बोलते हैं रील, आर डबल ई एल, रील। चरखी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रील। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड होता है पतंगे लूटना। अब आप पतंग लड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं एक्चुअली, और कुछ लोग होते हैं जिनका पूरा फोकस होता है किसी की पतंग कटी और उस पतंग को उठा कर लाने में होता है, तो उसको क्या बोलता है? पतंगे लूटने को। तो आप उसे बोल सकते हैं ग्रैब द काइट। जैसे आप बोलो कि द माय फेवरेट थिंग या व्हाट आई लव टू डू इज टू ग्रैब द काइट ऑफ अदर्स, मुझे दूसरों की पतंगें लूटने में बहुत मज़ा आता है। तो आप ऐसे करके इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज शानदार, कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो शानदार के लिए एक वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर। आवर इंडिपेंडेंस डे इज गोइंग टू बी वेरी स्पेक्टेकुलर। और आई होप यू क्लियर हो गया होगा ना। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, जब आप बोलो कि हम उसे धूमधाम से मनाने वाले हैं, तो धूमधाम के लिए मैंने आपको पहले भी एक वर्ड दिया था विथ फुल फैनफेयर। वहाँ पे मैं एक आपको एक और वर्ड देने वाली हूँ विथ पॉम्प एंड शो। जैसे आप बोलो कि वी गोना बी सेलिब्रेटिंग दिस इंडिपेंडेंस डे विथ पॉम्प एंड शो, कि मतलब हम अपना इंडिपेंडेंस डे बहुत ही शानदार भव्य तरीके से धूमधाम से मनाने वाले हैं। ओके, आई होप ये वाले वर्ड्स भी आपको याद हो गए होंगे, स्पेक्टेकुलर विद पॉम्प एंड शो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा इस बार का थीम है इंडिपेंडेंस डे का, वो क्या है? वो है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये तो हमें जानना चाहिए। ओके, सो आत्मनिर्भर को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट। जी हाँ, सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर। अब इस बार कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ 74th इंडिपेंडेंस डे, यू विल से सेल्फ रिलायंट, जिसका मतलब है आत्मनिर्भर होना। ओके, तो आज हमारे बहुत सारे वर्ड्स हो गए हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड रह गया झंडा फहराना। झंडा फहराने को क्या बोलते हैं? तो झंडा फहराने के लिए मैंने आपको पहले तो एक वर्ड दिया ही था अनफर्लिंग द फ्लैग, और कॉमनली जो सभी लोग यूज़ करते हैं वो होता है होइस्ट द फ्लैग, HOIST, होइस्ट द फ्लैग। तो आप इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, होइस्ट द फ्लैग और अनफर्ल द फ्लैग। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर गोइंग टू अनफर्ल द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे, और प्राइम मिनिस्टर गोइंग टू होइस्ट द फ्लैग, या फिर देयर विल बी अ फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी। दीज वर द वर्ड्स विच वी वुड लव टू यूज टूडे। तो आज इंडिपेंडेंस डे पे हमने अपना जो पूरा सेशन है वो बहुत ही पेट्रियाटिक ही रखा है, सारे वर्ड्स इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड हैं। आई होप ये सारे वर्ड्स आप लर्न करेंगे, एंड डू यूज दैम, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अपने राइट्स को याद रखिए और इंडिपेंडेंस डे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए, पर कीपिंग इन माइंड द सोशल डिस्टेंसिंग। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। डू शेयर द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द सेशन, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू द कमेंट्स एंड लेट मी नो हाउ वाज टुडे सेशन एंड विच वर्ड वाज योर फेवरेट ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।